हे गाइस, वेलकम बैक टू कुसुम्स लाइफस्टाइल। सो हाउ आर यू ऑल? आई होप कि सब मस्त होंगे एंड स्वस्थ होंगे। सो आज का जो वीडियो है वो होने वाला है 24 आवर चैलेंज, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि वाइट हैंकी का यूज़ करके 24 आवर चैलेंज कीजिए। तो अभी हो रहे हैं 7 AM मॉर्निंग के, तो कल 7 o'clock तक ये चैलेंज रहने वाला है। एंड आज मैं उठी थी 6 बजे, मेरे हस्बैंड एंड मेरे जो देवर जी दोनों को जाना था काम के सिलसिले में बाहर, तो आज दोपहर का खाना भी सिर्फ मेरे लिए ही बनाना है, तो अभी मुझे ब्रेकफास्ट करना बाकी है। तो उसके पहले ना मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्लीनिंग का काम कर लेती हूँ। तो अभी हो रहे हैं 7:30, क्योंकि इसके बीच में मैंने जो यूटेंशियल थे, मतलब जो मेरे हस्बैंड एंड ब्रदर इन लॉ के लिए जो ब्रेकफास्ट वो सब बनाया था, तो वो बर्तन भी ना मुझे वॉश करने थे, तो वो काम मैंने कि जस्ट कंप्लीट किया है। एंड देन यहाँ पर मैं लगा रही हूँ झाड़ू एंड इसके बाद हम करेंगे पोछा। तो ये तो मेरा रूटीन का काम है। अब मैं क्या करती हूँ ना कि ज़्यादातर शावर लेने के पहले ये सब काम कर लेती हूँ, उसके बाद मैं शावर लेने जाती हूँ। बट जब मुझे वीडियो शूट करनी होती है ना, तब मैं क्या करती हूँ ना कि शावर पहले ले लेती हूँ, ताकि मैं चैलेंज को शुरू कर पाऊँ, ठीक है? और उसके बाद ही मैं क्लीनिंग ये सब वो सब करती हूँ। अदरवाइज़ तो मेरा क्लीनिंग पहले होता है एंड देन मेरा शावर होता है। ओके, सो अभी हो रहे हैं 8:30 बजे समथिंग कुछ हो रहा है, जो भी है एग्जैक्ट टाइम आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि मुझे पता होता है कि मैंने ये वीडियो कब शूट करी थी, तो उसमें टाइमिंग डिटेल सब देते। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ पोहे, तो उसके लिए लिया है मैंने यहाँ पर स्मॉल साइज़ पोटैटो और टोमेटो, मतलब हाफ ही लिया है। एंड देन यहाँ पे ली है 2 small size ऑनियन एंड इसको अच्छे से मैंने रफली कट किया है, ऐसा नहीं है कि अच्छे से कट किया है। एंड जो पोटैटो है ना, वो मैं क्या करती हूँ कि जो वेफर्स हम करते हैं ना, तो वैसे मैं उसको कट करती हूँ एंड देन 4 pieces में कन्वर्ट कर लेती हूँ। तो कैन सी ये कट होकर, टोमेटो को हम बाद में कट करेंगे। ओके, सो यहाँ पर मैंने लिए है पोहे, तो पोहे को अच्छे से हम 2-3 वाटर में अच्छे से इसको वॉश कर लेंगे, तो ये अच्छे से है ना थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं और पक भी अच्छे से जाते हैं। ओके, सो यहाँ पर मैंने लिया है एक ये पैन और इसमें हम डालेंगे ऑयल, 2-3 teaspoon आप ले सकते हो। एंड देन जैसे ये हल्का सा गर्म हो जाए ऑयल, तो इसके अंदर मैं सबसे पहले डालूँगी पोटैटो और पोटैटो को मैं सबसे पहले फ्राई कर लूँगी, मतलब वो हल्के से सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, तभी मैं यहाँ पे डाल रही हूँ ऑनियन। मैंने सारी नहीं डाली है, मतलब 3/4 जितनी डाली है, 1/4 में बाकी बाद में डालूँगी, ठीक है? सो यहाँ पर साइड टू साइड मैंने क्या किया ना, मैं चाय भी बना रही हूँ, क्योंकि सिर्फ मुझे ही पीनी बाकी, क्योंकि हस्बैंड एंड ब्रदर इन लॉ वो सब तो अपना नाश्ता करके गए। सो यहाँ पर मैंने जिंजर डाला है, देन इलायची डाली है, क्योंकि ये 2 आइटम है जो जिसके बिना मैं कभी भी चाय नहीं बनाती हूँ, ठीक है? और बीच बीच में वो जो ऑनियंस है उसको भी मैं हिलाती रहती थी। एंड यहाँ पर मैंने डाली है 1 teaspoon चाय पत्ती, और आप मेज़रमेंट इतना याद रखें कि जब भी चाय बनाएं तो जितने टीस्पून आप चाय पत्ती रख रहे हैं उसका डबल आपको चीनी डालनी है, ठीक है? सो ट्वेस्ट अच्छा आता है। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा कड़क चाय पसंद है तो आप 1-1 का रेशो रख सकते हैं, बट यहाँ पर मैं 1-2 का रेशो रख रही हूँ। इसको अच्छे से हम पकने देंगे, और चाय को जितना हम पकने देंगे, जितना उबालेंगे, उतना ही उसका टेस्ट अच्छा आता है। एंड देन उसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने जो ये ऑनियंस एंड पोटैटो, हल्के से पोटैटो को ऐसे मैं टच कर रही थी ना, तो वो सॉफ्ट हो गए, तो यहाँ पर मैंने सारे मसाले जो भी बेसिक मसाले वो वहीं मैंने डाले हैं, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एंड देन उसके बाद मैंने देखा तो चाय है वो अच्छी सी उबलनी स्टार्ट हो गई, तो मैंने गैस की फ्लेम को स्लो कर दिया था, फिर वापस मैंने उसको हाई फ्लेम किया, स्लो किया, ऐसे मैं 2-3 times करती हूँ तो अच्छे से पक जाती है। एंड देन यहाँ पर मैंने जो पोहे है उसको भी अच्छे से रेडी कर लिए, यू कैन सी पोहे भी डाल दिए हैं। एंड देन उसके ऊपर से जो सेवई आती है ना पतली वाली, वो मैंने डाली है थिन वाली। एंड देन इसके ऊपर से मैंने शुगर भी ऐड करी एंड देन लेमन भी यूज़ किया है, तो इससे क्या होता है कि टेस्ट है वो खट्टा मीठा आता है ना। ओके, सो ये रेडी है मेरा आज का ब्रेकफास्ट, और मैंने बहुत ही ज़्यादा बनाया क्योंकि दोपहर को वो दोनों खाना खाने घर पर नहीं आने वाले, तो इसी में मेरा काम चल जाएगा, तो दोपहर को कुछ बनाना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर है ये मेरी गर्मा गर्म चाय एंड मेरे पोहे, तो यहाँ पर मैं मेरा ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रही हूँ। हाँ, क्योंकि अभी तक मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो बहुत ही ज़्यादा मुझे भूख लगी थी, तो मैंने सोचा मैं फटाफट खा लूँ। तो यहाँ पर मैं यू कैन सी मेरी चाय की चुस्की ले रही हूँ, और साथ में मैं एक के बाद एक टीस्पून लेकर मेरे पोहे खा रही हूँ। एंड देन इसके बाद जो भी मेरे यूटेंशियल हुए थे इस काम में, वो सारे मैं अभी वॉश कर रही हूँ, और वॉश करने के बाद इसको अच्छे से हम सेट कर लेंगे, मतलब
अच्छा रहता है, मतलब जब जो काम जिस टाइम पर हम करें वो काफ़ी अच्छा रहता है। मतलब जैसे कि अभी आपने कपड़े धोए, तो कपड़े धुलने के बाद तुरंत ही जैसे वो ड्राई हो जाए तो उसको फोल्ड करके अच्छे से अलमारी में रखना, वो सब मुझे अच्छा लगता है। मतलब जो काम जिस वक्त करना चाहिए वही उस टाइम ही करना चाहिए। एंड देन यहाँ पर मेरा जो भी प्लेटफॉर्म है वो थोड़ा मैसी हो रखा था, तो इसको मैं क्लीन कर रही हूँ, तो थोड़ा टाइम यहाँ पर ही चला गया था, हाफ एन आवर तो मुझे यहीं पर ही लगा था। और यहाँ पर मैंने फिर से पोछा कर लिया है, क्योंकि यहाँ पर चाय वो सब ऐसे गिरती रहती है ना, तो अच्छा नहीं लगता है। सो ये मैंने वॉश कर लिया है। एंड यहाँ पर अब मैं करने जा रही हूँ, मेरे जो कपड़े धुलने मैंने डाले थे, इसके पहले मैंने डाल दिए थे बट वो मैं क्लिप शूट करना भूल गई, तो यहाँ पर मेरे वॉश हो गए हैं कपड़े। सो इसको अभी मैं बाहर सूखने के लिए रख दूँगी, एंड बहुत ही कम वक्त में ही अच्छे से सूख जाते, क्योंकि ये यहाँ जो जहाँ पर हम रहते हैं ना, वो पूरा जो बाहर का एरिया है वो ओपन है, एंड डायरेक्ट धूप आती है, ठीक है, सनलाइट डायरेक्ट आती है, तो विद इन 2 to 3 आवर्स में अच्छे से यू नो ड्राई हो जाते हैं। फिर भी मैं प्रिफर करती हूँ कि मैं एक बार उसको सारे कपड़े उसको पलट के रख दूँ, पलट के ऐसे रखूँ तो दोनों साइड अच्छे से ड्राई हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं वन बाय वन सारे जो भी कपड़े हैं उसको मैं सुखा रही हूँ, कैंसी सारे मैं रस्सी पर ऐसे डाल रही हूँ, और यहाँ पर मैं सिक्योर भी कर रही हूँ, क्योंकि हवा भी बहुत ज़्यादा तेज़ चलती है ना, तो कभी कभी कपड़े नीचे गिरने के चांस बढ़ जाते हैं। और यहाँ पे पास में मतलब नेबर में पहले रहते थे, बट अभी उन्होंने रिनोवेशन का काम शुरू किया ना, तो नहीं होते, तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गंदगी है, तो कभी कपड़े गिर जाए तो प्रॉब्लम हो जाती। एंड देन यहाँ पर है ये गेहूँ, जो मेरे पुराने वाले हैं, जो नए वाले हैं उसको तो मैंने स्टोर करके रख लिया, बट ये पुराने वाले अभी इतने बाकी जिसको हमें पहले कंप्लीट करना है, तो वो बहुत ही ज़्यादा मैसी हो रखे थे, क्योंकि बहुत ही पुराने हैं, 1 साल पुराने हैं, जिसको अच्छे से यू नो साफ़ करना पड़ता है, क्लीन करना होता है, तो इसमें 3 घंटे तो सिर्फ इतने, ये जो एक बोरी दिख रही है ना उसमें 3 घंटे लग जाते, क्योंकि इसमें कंकड़ भी बहुत थे, मतलब छोटे बड़े वाले जो भी थे वो सारे, क्योंकि ये गाँव से गेहूँ आए थे, तो आप समझ ही सकते हो कि उनके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती है, तो वो सारा काम हमें खुद ही करना होता है। सो यहाँ पर मैं ये सारा क्लीन कर रही हूँ। देन उसको एक और एक जो खाली पॉलीथीन थी, मतलब जो एम्प्टी थी, उसके अंदर में स्टोर करके रख रही हूँ, ताकि जब भी यू नो गेहूँ को पिसवाना हो तो इजीली हम पिसवा सके। सो यहाँ पर ये मैंने पॉलीथीन ले ली है, इसके अंदर हम स्टोर करके रखते जाएंगे, एंड मेरा काम भी मैं ऐसे करती जाऊँगी। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ये काम थोड़ा बोरिंग है, बट फिर भी कंप्लीट तो करना ही पड़ता है, क्योंकि फिर बहुत ही जल्दी जब पिसवाने का टाइम आता है ना, तब बहुत ही ज़्यादा हेडेक होने लगता है, क्योंकि फिर यू नो प्रेशर आ जाता है, टेंशन आ जाता है कि अभी गेहूँ मतलब आटा भी ख़त्म हो गया, कब मैं इसको क्लीन करूँगी कब, तो मैं क्या करती हूँ कि 2-3 दिन पहले ही मैं क्लीन करके रख देती हूँ। ओके, सो यहाँ पर जो मेरे कपड़े ड्राई हो गए थे उसको भी मैंने ले लिए। एंड यस गाइस, इसके बीच में मैंने मेरा लंच भी कर लिया, जो मैंने आपको बताया था कि जो पोहे बचने वाले हैं वही मैं खाने वाली हूँ। ओके, सो यहाँ पर मैं सारे कपड़े है उसको मैं फोल्ड करके वन बाय वन ऐसे रख रही हूँ, एंड देन मैं फोल्ड करके ही इसके साथ साथ ही मैं अलमारी में इसको सेट कर लेती हूँ। बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही थी, तो यहाँ पर वैसे भी फ़ैन ऑन ही है, क्योंकि मुझे यहाँ पर वॉइस ओवर करना था, तो मैंने ये जब क्लिप शूट करी है ना तब फ़ैन ऑन ही था, फिर भी गर्मी बहुत ही ज़्यादा लग रही थी, क्योंकि ह्यूमिडिटी अभी बहुत ही ज़्यादा हो गई है, 2-3 दिन से तो गर्मी इतनी बढ़ गई है ना कि मत पूछो। तो यहाँ पर ये सारे कपड़े मैंने फोल्ड कर लिए हैं, तो इसके बाद मैं ना रेस्ट करने वाली हूँ, मतलब 1 आवर रेस्ट, मतलब नींद आए ना आए या ना आए, बट मैं हल्का सा रेस्ट करना चाहूँगी, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है ना, प्लस ये चैलेंज करना छोटी मोटी तो बात है ही नहीं। तो यहाँ पर मैंने रेस्ट कर लिया था 1 to 2 आवर जितना, और साथ साथ में जितने क्लिप्स मैंने शूट करे थे ना उसको मैं एडिट भी साथ में करती जाती हूँ, ठीक है। सो बहुत ही मेहनत लगती है गाइज, आपको देखने में सिर्फ 15-20 मिनट लगते हैं, बट हमें यू नो पूरे 2 दिन लग जाते हैं, मतलब एडिट करो ये वो। एंड देन अभी हो रहे हैं 5 PM, मतलब 5 बजे शाम के, इवनिंग के, तो यहाँ पर मैं लेकर आई थी समोसा, क्योंकि यहाँ पर गली में ही बेचने आते हैं, तो वहीं से ही मैंने लिया है। सो यहाँ पर मैं खा रही हूँ समोसा, क्योंकि अभी छोटी मोटी यू नो क्रेविंग होने लगती है ना, तो समोसा इज़ द बेस्ट, इसके साथ चटनी भी देते हैं, बट अभी मेरे पास नो चैलेंज था कि हैंकी से, तो उसमें थोड़ा मैसी हो रखा था, मतलब मैसी हो जाता है क्योंकि वाइट हैंकी है एंड फिर यू नो चटनी का कलर रेड, सो वो मुझे नहीं चाहिए था। तो यहाँ पर मैं मेरे जो समोसे उसको एंजॉय कर रही हूँ विदाउट एनी चटनी और टोमेटो सॉस, एंड साथ साथ में मैं यहाँ पर डांस भी कर रही हूँ, ठीक है ना, मतलब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं सारा आप लोगों से शेयर कर पाऊँ, बट वीडियो लंबी हो जाती है ना, तो यू नो ट्रिम करना पड़ता है, फिर थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ती है, और उसके बाद वॉइस ओवर करना पड़ता है, क्योंकि साथ साथ में यहाँ पर इतना नॉइस भी होता है ना, क्योंकि संडे होता है तो बच्चे यहाँ पर नीचे खेलते होते हैं। ओके, सो उसके बाद
मैं थोड़ा सा एडिटिंग करती हूँ एंड थोड़ा सा यू नो यूट्यूब पर ऐसे सर्च करती रहती हूँ कि अभी क्या ट्रेंडिंग में चल रहा है ये वो। एंड उसके बाद यहाँ पर मैं आई हूँ रात की डिनर के लिए प्रिपरेशन करने। तो यहाँ पर आज बनने वाली है लौकी की सब्जी एंड उसके साथ यहाँ पर मैंने लिया है आलू। इसके बीच में मैंने गार्लिक को भी यू नो क्लीन करके रख लिए थे एंड देन इसको मैं प्रिफर करती हूँ कि ज़्यादातर मैं घर का खाना ही प्रिफर करती हूँ खाने में, क्योंकि ज़्यादातर हम बाहर का बिल्कुल भी नहीं खाते। कभी कभी ऐसी क्रेविंग हो जाती है ना, तब मंगवा लेते कि चलो समोसा खा लेते। और बात करें पिज्ज़ा की, तो पिज्ज़ा साल में हम 3 बार ही शायद खाते होंगे, और वो भी मैक्सिमम, क्योंकि जब मेरा बर्थडे होता है, मेरे हस्बैंड का बर्थडे होता है, या मेरे ब्रदर इन लॉ का बर्थडे होता है। बट ज़्यादातर क्या होता है कि ब्रदर इन लॉ का बर्थडे होता है ना, वो ज़्यादातर कभी यहीं होते और कभी गाँव चले गए होते घर पर, तो कभी कभी ही पिज़्ज़ा खा लेते। बट 3 टाइम तो होता ही है ईयर में, साल में। और यहाँ पर मैंने ये कच्चा आम है रोम मैंगो, उसको भी मैंने कट करके रख लिया, क्योंकि खाना बहुत ही अच्छा लगता है। और जब हम खाने के लिए बैठते हैं ना, तब मैं उसमें नमक वो सब डाल के खाते हैं। एंड देन यहाँ पर मैं बना रही हूँ सब्जी बहुत ही फटाफट से। एंड इस टाइम मेरे हस्बैंड एंड ब्रदर इन लॉ भी आ गए थे, बहुत ही ज़्यादा थक गए थे, तो मैं वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी। सो मैंने सिर्फ डायरेक्ट गुड नाइट के लिए ही मैंने क्लिप ऐड करी है, यू कैन सी। सो मैं 6 AM को तो उठ जाती हूँ नॉर्मली, और फिर मैंने ब्रेकफास्ट वो सब भी बना लिया है मेरे ब्रदर इन लॉ एंड हस्बैंड के लिए। एंड अभी मैंने जस्ट क्लिप शूट करी है ताकि आपको आइडिया आए कि हाँ मैं उठ गई हूँ। एंड 7:15 तक मेरा सारा काम हो गया था, तो 7:15 को, 7 बजे तो मैं फ्री नहीं हुई थी, 7:15 को फ्री हुई थी, तब जाके मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने आई हूँ, कि मैंने सोचा हैंकी को तो रिमूव कर लेते हैं। हे गाइस, सो फाइनली आई एम बैक। सो मैंने अभी मैंने मेरा शावर है वो ले लिया है, यू कैन सी, अच्छे से फोकस हो जा, ठीक है। सो जस्ट मैंने अभी मेरा 24 आवर चैलेंज यू नो कम्प्लीट किया है, यू कैन से। वो हैंकी के रिलेटेड यू नो 24 आवर चैलेंज था, तो यहाँ पर इयर रिंग्स यू नो मैंने ईयर में कुछ भी वेयर नहीं किया था, तो यहाँ पर मैं वेयर करूँ दिस बेसिक से स्टार्स। मैंने अमेजोन से परचेस करा था, मतलब ये ज्वेल गैलेक्सी का जो कॉम्बो सेट आता है ना, आपको सेट ऑफ 4 ईयर रिंग्स एंड उसके साथ हेयर पिन मिल जाती है ईयर रिंग्स के साथ, है ना। तो आप ये डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, और आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, जो बेसिकली मैं यूज करती हूँ, ठीक है। एंड यस गाइस, आपको मेरी आवाज थोड़ी सी यू नो वन से भारी लग रही होगी, कि अचानक से इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है ना, मतलब अचानक से गर्मी बढ़ गई है, तो ऐसा होता है। ओके, सो यहाँ पर मैंने शावर लेने के बाद में मैंने मेरा फेस वॉश एंड टोनर अप्लाई कर लिया था। टोनर के लिए मैं क्या अप्लाई करती हूँ वो आप डेफिनेटली आपको पता ही होगा, अगर आप मेरे ओल्ड वीडियोस देखोगे तो आपको पता चल जाए। देन यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ दिस गुड वाइब्स फेस सीरम, इसके रिलेटेड वीडियो भी मेरी चैनल पर अवेलेबल है, अगर आपने अभी तक का नहीं देखा है देन डेफिनेटली डू चेक इट आउट गाइस। ओके, सो इसको अच्छे से ना अप्लाई कर लेंगे। मुझे पर्सनली ये सीरम बहुत अच्छा लगता है, टी ट्री एंड पपाया वाला। तो यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ पॉन्ड सुपर लाइट जेल मॉइस्चराइजर। अगर आप मेरे ओल्ड वीडियोस उठाकर देखोगे, कोई भी स्किन केयर का वीडियो हो, मेरा मॉर्निंग स्किन केयर, नाइट स्किन केयर, देन एनी काइंड ऑफ स्किन केयर वीडियोस देखोगे, मेरा कोई भी रूटीन देखोगे, तो उसमें ये प्रोडक्ट आपको डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। सो नेक्स्ट यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ दिस मामा अर्थ अल्ट्रा लाइट इंडियन सनस्क्रीन विथ कैरट सीड एंड टर्मरिक। इसको भी मैं काफी टाइम से यूज कर रही हूँ, एंड इसको मैं जस्ट पाम पर लेकर, बहुत ही अच्छी खासी क्वांटिटी में लेकर आपको अप्लाई करना होता है, क्योंकि अभी मैं जस्ट अपना स्किन केयर ही कर रही हूँ, यू कैन सी। पहले तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका फेस व्हाइट व्हाइट हो जाएगा, बट जैसे ही आप इसको मसाज करोगे तो आपकी स्किन में अच्छे से नो एब्जॉर्ब हो जाएगा। डोंट फॉरगेट टू योर नेक। ओके, आप चाहो तो यहाँ पर ईयर पे भी इसको अप्लाई कर सकते हो, और एक्स्ट्रा जो भी बच जाए वो आप अपने हैंड पर भी इसको ऐसे अप्लाई कर सकते हो। आई थिंक शायद मैं आज एक वीडियो भी फिल्म करने वाली हूँ, मतलब शूट करने वाली हूँ। सो स्किन केयर तो मेरा हो ही गया, जस्ट मुझे लाइट वेटेड मेकअप करना बाकी रहेगा, ठीक है। एंड ईयर रिंग्स वो सब चेंज करना पड़ेगा, आउटफिट चेंज करना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट ईयर आई एम यूजिंग दिस गुड वाइब्स लिप बाम। आई
आई एम इन द शेड, वेनिला फ्लेवर है मे बी, यस वेनिला है। आई जस्ट लव दिस लिप बाम, इसको भी मैं 4 मंथ से यूज कर रही हूँ। उसके पहले मैं जो आता है ना बेबी लिप्स वाला पिंक कलर का आता है मैबलिन वाला, वो मैंने ट्राई करे हुए है, ये वाला यूज करना स्टार्ट कर। इसके पहले मैंने ब्लू हेवन वाला भी ट्राई कर लिया है जो लिप बॉम्ब वाला शेप करके आता है ये ब्राउन कलर में। तो यहाँ पे क्लिप भी मैं ऐड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक भी प्रोवाइड, वो भी अच्छा है। गुड वाइब्स के प्रोडक्ट्स है ना वो अफोर्डेबल प्राइस में तो मिलते हैं प्लस बेनिफिशियल भी होता है, तो डेफिनेटली डू चेक इट आउट गाइस। एंड यू कैन सी यहाँ पर मैंने मेरा स्किन केयर कर लिया है एंड आप देख सकते हो मेरी स्किन में आपको हल्की सी यू नो शाइन दिख रही होगी ये प्रोडक्ट्स यूज करने के बाद। एंड बात करें यहाँ पर हेयर सीरम की, तो हेयर सीरम के लिए मैंने रिसेंटली यूज करना स्टार्ट किया है स्ट्रिक्स प्रोफेशनल हेयर सीरम। अदरवाइज मैं मैट्रिक्स का ऑप्टिकेयर यूज करती थी, बट अभी मैंने 2-3 टाइम स्ट्रिक्स वाला ट्राई कर स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि उसके रिलेटेड वीडियो भी आपको मेरे चैनल बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगा, क्योंकि मैंने उसको शूट कर लिया है। बट इतने सारे वीडियोस ज्यादा हो जाते हैं ना एक साथ कि फिर मैं उसको अपलोड करने यू नो भूल जाती हूँ, मतलब वो वीडियो ऑलरेडी मेरे पास रेडी ही है, जस्ट मुझे थोड़ा सा हल्का सा एडिट करना होगा दैट्स इट, एंड थंबनेल वो सब बनाना बाकी होगा, अदरवाइज तो वीडियो मेरे पास शूट ही है। क्योंकि बीच बीच में आपकी कॉमेंट्स आती है ना कि 24 आवर चैलेंज कीजिए, ऐसे वीडियो बनाइए, तो फिर उसको भी मुझे बीच में डालना पड़ता है, क्योंकि फिर आपको ऐसा लगता है कि मैं आपकी रिक्वेस्ट कम्प्लीट नहीं करती हूँ। बट जो आपके ऐसे जो चैलेंजेस होते हैं ना वो मैं वीक में, मैं कोशिश करूंगी कि मैं वीक में एक बार वो वीडियो पक्का से पक्का विद इन अ वीक में आप लोगों से शेयर कर दूं, ठीक है। एंड अगर बात करें मेरी, तो आप अगर आपको पता नहीं है तो मैं अल्टरनेट डेज पर वीडियोज अपलोड करती हूँ, अदरवाइज मेरे शॉर्ट्स भी आपको देखने को मिल जाए। जैसे कि आज अगर वीडियो अपलोड करना है लॉन्ग वीडियो, सो मैं क्या करती हूँ ना कि दूसरे दिन मैं शॉर्ट अपलोड करती हूँ, या तो जिस दिन मुझे वीडियो भी अपलोड करना है उसी दिन मैं मॉर्निंग में शॉर्ट भी कभी कभी शेयर कर देती हूँ, ठीक है। सो ऐसा चलता रहता है, अल्टरनेट डेज पर मैं वीडियोज अपलोड करती रहती हूँ। शॉर्ट्स में क्या होता है ना कि ज्यादातर नोटिफिकेशन नहीं मिलती है। दैट्स इट फॉर टूडेज 24 आवर चैलेंज, आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अभी तो 24 आवर चैलेंज तो कब का खत्म हो गया, फिर भी मैंने सोचा कि इसके बाद मैं क्या करती हूँ वो भी आप लोगों के साथ शेयर करना तो बनता ही है। एंड आई नो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाता है ना, तो मैं फॉरवर्डिंग भी कर देती हूँ ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए देखना, ठीक है। फिर वीडियो इतनी लंबी हो जाती है फिर आपको लगेगा इसमें मैं क्या ही देखूँ, ठीक है, इसलिए मैं फास्ट फॉरवर्डिंग करती हूँ। देन शायद इस वीडियो में ना कोई म्यूजिक नहीं रहेगा, शायद मैंने सोचा है कि मैं इसमें वॉइस ओवर करूंगी, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टूडेज 24 आवर चैलेंज, आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। इफ यस प्लीज गिव इट अ थम्स अप, शेयर टू फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल कसम स्लैश, एंड साइड में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको भी हिट कर दीजिएगा, आपको मेरी अपकमिंग एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहे। सो मैं मिलती हूँ आपको मेरे और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देन धमाकेदार चैलेंज के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग।